तुम होशियार थे इसलिए मैं तुम्हें सिखाता चला गया और तुम अपने दिमाग का उपयोग करके और आगे बढ़ते चले गए बेटा। तुम्हारी कामयाबी को देखकर मैं हैरान रह गया। तुम मुझसे भी आगे चले गए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। गुरुजी आपको मुझे बोलने दो त्रिशंकु। इस दुनिया के अंदर पैसा कमाना एक मैजिक होता है। मैंने तुम्हें वो सिखाया, पर इंसानियत और हैवानियत को देखना भी एक लॉजिक है और वो तुमने खुद सीखा। गुरुजी, आपके बिना ये त्रिशंकु नहीं है, ये सच है। जा रहे, बीत गए वो दिन, मेरा शिष्य त्रिशंकु कहकर मुझे गर्व होता था और अब मैं त्रिशंकु का गुरु हूं ये कहकर मुझे गर्व होता है। देखना इस औरत के लिए मेरी कितनी घटिया सोच थी बेटा। मैं ये कैसे भूल गया कि मुझे जन्म देने वाली एक औरत ही तो थी। कितना गिर गया था मैं। आदमी चाहे कुछ भी बन जाए, राजा बन जाए, महाराजा बन जाए, विश्व विजेता बन जाए, औरत की सलाह, सहायता, प्रेम और संपर्क के बिना आदमी कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मैं अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी पाया क्योंकि मेरे पास औरत का सहारा नहीं था। आओ बेटी। आओ गणेश भाई, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, धमकी देने आया हूँ। पहले बैठो ना भाई, बात करते हैं। गली में धंधा कर रहा था, तेरी वजह से राजनीति में आया हूँ, उसके लिए आज मैं समझाने आया हूँ यहाँ पे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, प्रेस मीट रोक दे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, अपने धंधे बंद कीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मार दूंगा। मार दो, लेकिन सोच लो। ऐसे ही काट दूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो। क्यों रे, उस त्रिशंकु को पागल कुत्ते ने काट लिया? भैया ज्यादा नाटक किया ना, तो एक छुरी उसके पेट में घुसेड़ दूंगा। गणेश भाई, दिखेगा तो मार दूंगा कहा था ना, तुम्हारी आंखों के सामने हूं, मार दो। अरे पागल, क्यों तू खामखा मेरे हाथ से मरना चाहता है, हैं? मेरे काम में टांग मत अड़ा, कहीं और जाके आराम से जी ले तू। जा। हमने जो किया, जो कर रहे हैं वो गलत है, मान जाओ। क्या मान जाओ, मान जाओ बोल रहा बदमाश कहीं के। ए, मारो इसको। अरे रुको, तो मैं देखता हूँ इसको। भगवान, मैं संभाल लूंगा, आप छोड़ दीजिए। ऐसी परिस्थिति को देखकर भी छोड़ने को कह रहे हो? ये मेरी समस्या है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इस बार मानव शक्ति इस्तेमाल करने दीजिए। दो प्राण हानि के योग खत्म हो चुके हैं, सोचकर घबराओ मत, और एक वरदान बाकी है। चाहता हूं कि वरदान की जरूरत ना पड़े। किसके साथ ही मीटिंग, किससे बातें कर रहा था? तुझे कैसे ठिकाने लगाना है ये मैं अपने आप से बात कर रहा था। रे, हे, पास आया ना तो इसे जान से मार दूंगा। अरे ऐसे मत मारो, इंसान समझ रहे हो कि जानवर समझ रहे हो? भैया को दर्द हो रहा होगा। ओहो, अच्छा पिए जरा, तो सामने आ जा। क्या है भैया? अब अगर इसका हाथ तोड़ दूं तो क्या होगा? खाना नहीं खा पाएंगे, भूखे मर जाएंगे। अच्छा तो फिर तोड़ ही देता हूँ। अरे दे, मैंने उनका नमक खाया है, उन्हें छोड़ दो। ठीक है, नमक खाया है ना तूने। अब एक गेम खेलते हैं, कौन बनेगा हनुमान। क्यों, समझ आया कुछ? नहीं भैया। बैठ जाओ। ए, हनुमान का कैरेक्टर है, हनुमान की तरह बैठ। ए, तुम लोग क्यों हनुमान बने हो, सीधे बैठ जाओ। बोलिए भैया। मैं तीन सवाल पूछूंगा, तीनों सवालों के सही जवाब दोगे
तो तुम हनुमान बन जाओगे। तुम्हारे भाई को मैं छोड़ दूंगा। गलत जवाब दिया तो भैया की हड्डी चूर चूर कर दोगे क्या? अरे बेवकूफ, ये क्या बोल रहा है? ऊपर से अपने आप को हनुमान बोलता है? जुबान फिसल गई भैया। क्यों, रेडी हो? हाँ रेडी। भैया की जान के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी बोलेगा तो मैं मर जाऊंगा, सही जवाब देना। अरे टेंशन मत दीजिए भैया, मैं अभी जोश में हूँ ना। तुम सवाल इजी पूछना। क्वेश्चन नंबर 1, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। करेक्ट। अरे बैठ जाओ रे भाई, अब थोड़ा टफ सवाल पूछो। क्या टफ, हड्डी पसली एक कर दूंगा, मेरी जिंदगी के साथ खेलेगा पागल। आपका हनुमान हूँ भैया, आप चिंता मत कीजिए, टफ सवाल पूछो। क्वेश्चन नंबर 2, इन चोरों को और लुटेरों को क्या करना चाहिए? बंद करना चाहिए। करेक्ट। देखा ना, ये क्या टफ है, और टफ पूछो। हाँ पूछता हूँ, बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे बाप रे, बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, इंसान होकर इंसान की तरह ना रहने वाले के साथ क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए, मार कर पेड़ पर लटका देना चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके उसकी चटनी बना देनी चाहिए भैया। अरे वेंकट, तू मेरे साथ है या इसके साथ है? आपके मरते दम तक मैं आपके साथ ही हूँ भैया, मैं आपका हनुमान हूँ भैया। आखिरी जवाब भी बिल्कुल करेक्ट दिया तुमने। अरे वाह, तुम्हें जीने के लिए कितना पैसा चाहिए बता। थोड़ा चाहिए। वो थोड़ा तुम्हारे पास है? है, बहुत है। तो फिर ये बताओ कि तुम पैसा और चाहिए और चाहिए और चाहिए बोल के पैसे के पीछे क्यों मर रहे हो, बताओ। अरे बाप रे, तुझे छोड़ दिया तो बाकी लोग जी नहीं पाएंगे, है कि नहीं? तुम पागल हो गए। अच्छा मैं पागल हो गया हूँ? अरे मैंने सही जवाब दिया ना, फिर भैया को क्यों मार रहे हो? अरे वेंकट, तुमने हर सवाल का जवाब सही दिया, इसे मारने के लिए कहा, लेकिन मैं इसका सिर्फ एक हाथ तोड़ रहा हूं। क्यों जानते हो? क्योंकि रिश्वत लेने वाले हाथ से ये खाना ना खा सके। ए, तू मुझे नहीं रोक पाएगा, इस प्रेस मीट के बाद तू जनता को भी रोक नहीं पाएगा। मैंने तुझे मौका दिया था लेकिन तूने गवा दिया। इंसान को अपनी बुराई खत्म करके इंसान की तरह जीना चाहिए। हर इंसान को धरती पर जीने का हक होना चाहिए। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। ए, कौन हो तुम लोग? एलियंस के लिए पब्लिसिटी? भगवान।